हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU का नाम इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में आता है। स्टूडेंट को अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन न मिलने के बाद इस टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर अपना सपना पूरा करते हैं। नीट 2020 में टॉप एम्स और टॉप मेडिकल कॉलेज के बाद इसको चूज करने से इसकी कट ऑफ अब की बार 600 से 620 के नियर बाई रहने की संभावना है। तो सबसे पहले हम इसकी सीट मैट्रिक्स देखते हैं। तो इसमें टोटल 100 सीट्स हैं। नीट 2019 के फर्स्ट राउंड तक इसमें 84 सीट थी। सेकंड राउंड में EWS के फेवर में 16 सीट्स इंक्रीज की गई थी, जिसमें 6 सीट EWS और 1 सीट EWS PWD, यानी टोटल EWS की 7 सीट कर दी गई थी। बाकी 9 सीट को सभी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसमें ऑल इंडिया कोटा की 100 सीट है। इसमें कोई किसी प्रकार का स्टेट कोटा नहीं है, किसी प्रकार का कोई अदर कोटा नहीं है, यानी कि किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट इनमें 100 सीटों पर एडमिशन ले सकता है। अभी इसमें एडमिशन कैसे लें, तो इसमें MBBS BDS एडमिशन नीट स्कोर पर होता है। नीट 2020 के रिजल्ट से पहले आपको MBBS BDS के लिए कोई किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जैसे ही नीट 2020 का रिजल्ट आ जाएगा, MCC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। ऑप्शन के चेकबॉक्स में BHU सेलेक्ट करना है और चॉइस फील्ड में BHU सेलेक्ट करके इसमें MCC द्वारा तीनों राउंड की काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग करवाकर एडमिशन दिया जाता है। मॉपअप राउंड में सीट वैकेंट रहने के बाद IMS BHU द्वारा स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाकर वैकेंट सीट फिल की जाती हैं। अब इसमें एक बार 2019 की लास्ट राउंड की कट ऑफ देखते हैं। तो जनरल कैटेगरी की 653, EWS की 640, OBC की 647, SC की 545 और ST की 451 कट ऑफ रही थी नीट 2019 के लास्ट राउंड तक। इसमें जब आप देख रहे हैं तो EWS की 640 कट ऑफ OBC की 647 से कम रही है, लेकिन नीट 2020 में इस प्रकार से नहीं होगा। इसमें EWS की कट ऑफ OBC से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नीट 2019 में पहली बार लागू किया गया था, वो भी सेकेंड राउंड में, इसलिए EWS की कट ऑफ OBC से कम रही थी। अब हम इसकी कट ऑफ देखते हैं नीट 2020 में क्या रह सकती है। तो जनरल की 615, EWS की 610, OBC की 605, SC की 510 और ST की 420 कट ऑफ रह सकती है इसमें ऑल इंडिया कोटा के लिए। अब इसके ट्यूशन फीस की बात करें तो 29,874 रुपये सालाना इसकी ट्यूशन फीस है और हॉस्टल फीस इसमें सबसे कम है 189 रुपीज। तो दोस्तों, इसमें MBBS के अलावा BDS कोर्स में भी एडमिशन MCC द्वारा ही काउंसलिंग करवाकर नीट स्कोर पर लिया जाता है। BDS का वीडियो में सेपरेट बना दूंगा इसमें। तो ये जानकारी थी कि BHU में एडमिशन कैसे लें, क्योंकि ये इंडिया का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है। तो इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस मैंने बता दिया है। कट ऑफ इस बार कम रहने की संभावना है। तो दोस्तों, नए वीडियो में आपको नई कॉलेज के बारे में जानकारी देंगे। तब तक मिलते हैं। अगर आपने जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।